Let's start. I am into practice of yoga since my childhood. There was a lot of inquisitiveness within me as to who am I, who is God, when will I meet God. ऐसे बहुत सारे सवाल मेरे अंदर बचपन से ही प्ले कर रहे थे और जब मैं मेरे पेरेंट्स से पूछता था ये सब चीजों के बारे में दे वुड रियली हैड नो आंसर अबाउट इट क्योंकि उनके खुद के कुछ ऐसे स्पिरिचुअल एक्सपीरियंस नहीं थे और मुझे क्लियरली पता था जब मैं छोटा था टिल द एज ऑफ अबाउट 9 to 10 years आई यूज्ड टू एग्जैक्टली नो कि मैं कौन हूँ मेरे लाइफ का क्या पर्पस है कुछ चीजें जो होने वाली थी वो भी मुझे सब दिखाई देती थी समझ में आती थी और मेरे फादर जो थे वो स्कूल टीचर थे और बहुत स्ट्रिक्ट थे तो उनका हमेशा से ये मानना था जब मैं ये सारे सवाल उनसे पूछता था तो वो मुझे हमेशा कहते थे कि बेटा तू गलत लाइन में जा रहा है इट इज टाइम फॉर यू टू फोकस ऑन योर स्टडीज तो उन्होंने मुझे हिस्ट्री ज्योग्राफी इंग्लिश मैथमेटिक्स वो सब चीज में फोर्सफुली डाल दिया फिर उन्होंने सोचा कि मैं इंजीनियर भी बनना चाहिए तो उन्होंने मुझे इंजीनियरिंग में भी डाल दिया फिर मैं इंजीनियर भी हो गया जो मैं होना नहीं चाहता था फिर उन्हें लगा कि मेरी शादी हो जानी चाहिए फिर शादी भी हो गई फिर उस टाइम तक मुझे मेरी लाइफ में कोई भी कॉन्शियस चॉइस करना अलाउड नहीं था बिकॉज ऑफ द स्ट्रिक्टनेस ऑफ माय फादर फिर जब शादी हो गई मुझे कुछ रियलाइजेशन होने लगे जॉब मैं करता था तभी उस टाइम पे उस जॉब में भी मेरा मन नहीं लगता था इंजीनियरिंग मुझे पसंद नहीं था मुझे पता नहीं था मुझे जिंदगी में क्या करना है मेरे लाइफ का पर्पस क्या है ये सारे सवालों से मैं हमेशा ही जूझ रहा था ये सारी चीजों के आंसर मैं ढूंढ रहा था पर रिस्पॉन्सिबिलिटीज पैसे कमाने की कोशिश करियर में एस्टैब्लिश होने के लिए मेहनत करना वो सारी चीजों में मेरा ये जो स्पिरिचुअल फोकस था वो कुछ टाइम के लिए थोड़ा सा डाइवर्ट हो गया था बट देन व्हेन आई वाज इनटू माय 30s आई रियलाइज्ड कि मैं ये सब करने के लिए नहीं आया हूँ मेरे लाइफ का पर्पस कुछ और है मेरा स्पिरिचुअल इंक्लिनेशन बहुत बढ़ने लगा देन आई ऑल्सो स्टार्टेड प्रैक्टिसिंग क्रिया योगा जो मैं बचपन से करते आ रहा हूँ फिर मुझे एक दिन लगा कि ये सारी चीजें जो मुझे हेल्प कर रही है मेरी लाइफ को बैलेंस करने के लिए मेरे सारे इश्यूज को रिजॉल्व करने के लिए वो सारी चीजें मैं लोगों को क्यों ना सिखाऊं तो वो पर्पस से मैंने फिर 2006 ऑनवर्ड्स ये सारी चीजें प्रोफेशनली करना शुरू की पहले मैं पार्ट टाइम करता था आई वॉज अ बिजनेस मैन मेरी खुद की इंडस्ट्री थी मैं सारे फार्मा कंपनीज के साथ बिजनेस करता था इंडिया के सारे टॉप फार्मा कंपनीज के साथ मैंने बिजनेस किया है और मेरा जो फोर्टे है वो कम्युनिकेशन का ही रहा है पहले से आई वॉज ऑलवेज गुड इन टू मार्केटिंग तो वो सारे स्किल्स जो मैंने सीखे थे वो मुझे आज बहुत काम आ रहे हैं ये सारी चीज़ों में और उसके बाद मैंने अपना खुद का एक सेंटर खोल के ये सारी चीज़ें सिखाना शुरू किया आई माई सेल्फ लर्न एवरीथिंग मैंने हिप्नोथेरेपी सीखा पास्ट लाइफ रिग्रेशन थी सीखा हीलिंग के सारे मॉडलिटीज मैंने सीखे खुद भी प्रैक्टिस करना शुरू किया और प्रोफेशनली फिर 2008 ऑनवर्ड्स मैं यही काम करता हूँ मेरा बिजनेस जो था वो मैंने धीरे धीरे वाइंड अप करना शुरू किया था 2008 से और 2010 मार्च में मैंने उसे कम्प्लीटली तरह वाइंड अप करके फिर मैं वो टाइम के बाद यही कर रहा हूँ फ्रॉम लास्ट 10 to 12 years आई एम प्रोफेशनली इनटू दिस पहले मेरा जो फोकस था वो ज़्यादा करके ग्रुप वर्कशॉप सेमिनार्स वो सब मैं करता था अलग अलग सिटीज में मैं जाता था एवरी वीकेंड मेरे प्रोग्राम्स होते थे ग्रुप में फिर मेरा फोकस थोड़ा ऑनलाइन में शिफ्ट हुआ देन आई स्टार्टेड मेकिंग वीडियोस यूट्यूब पे मेरे अबाउट 400 वीडियोस है जो आप देख सकते हो अलग अलग टॉपिक के ऊपर मेनली आई टॉक अबाउट क्रिया योगा मंत्रा एंड मेडिटेशन एंड अलोंग विद सम मॉडलिटीज ऑफ हीलिंग जैसे कि डीएनए हीलिंग है सोल हीलिंग है हिप्नोथेरेपी है ये सारी चीजें मैं सिखाता भी हूँ और खुद भी प्रैक्टिस करता हूँ सो दिस इज ऑल अबाउट माई बैकग्राउंड नाउ आज हम बात करेंगे सोल हीलिंग के बारे में द वर्ड हीलिंग इज वेरी सेल्फ एक्सप्लेनेटरी हम सबको पता है कि हीलिंग का मतलब क्या होता है हीलिंग का मतलब होता है कि किसी चीज को
जो हमारे हिसाब से नहीं हो रही है उसे ठीक करना, अपने अंदर की ही इनर पावर को यूज करके, अपनी नेचुरल एबिलिटीज को यूज करके लाइफ के किसी एस्पेक्ट को ठीक करना, उसे हीलिंग कहते हैं। और हीलिंग के बहुत सारे मॉडालिटीज है, योगा से हीलिंग होती है, मंत्र से होती है, रेकी से होती है, क्रिस्टल से होती है, जेम स्टोन से होती है, रुद्राक्ष से होती है, रिचुअल्स करने से होती है, ध्यान करने से होती है। ऐसे बहुत सारे अलग अलग मेथड्स हम हीलिंग के लिए कर सकते हैं। थोड़ी सी प्रैक्टिस करने के बाद ही हमें पता चलता है कि कौन सा पाथ मेरे लिए अच्छा है, क्या चीजें मेरे लिए सूटेबल है, क्या चीजें मेरे से अच्छे से हो रही है, वही चीजें हमें रिजल्ट देती है। सो यू कैन ऑल्सो ट्राई योर हैंड्स ऑन मेनी डिफरेंट हीलिंग मॉडालिटीज। और फाइनली आप ये डिसाइड कर सकते हो कि क्या ऐसी चीजें हैं जो आपके लिए बहुत अच्छे से इजीली हो पा रही है, तो वही चीजें आप परस्यू कर सकते हो। और पर्सनली मेरा ऐसा मानना है कि हजारों चीजें करने की जरूरत नहीं होती है, सब चीजें सीखने की भी जरूरत नहीं होती है। आपने जो भी कुछ सीखा हो, आपको जो भी दो चार टेक्निक भी अगर आती हो, एकाध हीलिंग के मॉडलिटी भी अगर आती हो और उसमें आपका इंटरेस्ट हो, आपको उसे करना अच्छा लगता हो, तो आप वही कंटिन्यू कीजिए। बिकॉज देर इज नो एंड टू गैदरिंग ऑफ द इंफॉर्मेशन। तो आज इतनी अवेलेबल है जिसकी कोई लिमिट ही नहीं है। आप एक टॉपिक पे बात करना चाहो, सर्च करना शुरू करो, अपना खुद का रिसर्च करो, तो बहुत सारी इंफॉर्मेशन, बहुत सारे हजारों वीडियोस, हजारों ट्रेनर्स आपको मिल जाएंगे सिखाने वाले। बट जो आपको बेनिफिट करेगा या जो चीज से आपको फायदा होगा वो है आपका खुद का एक्सपीरियंस। जो चीज आपको खुद एक्सपीरियंस नहीं होगी वो चीजें आप किसी को एक्सप्लेन नहीं कर पाओगे। और जब तक आप परसिस्टेंटली रेगुलरली कोई चीजों को अप्लाई नहीं करोगे, प्रैक्टिकली प्रैक्टिस नहीं करोगे, तब तक आप उसकी गहराई में नहीं जा सकते। और जब तक किसी चीज की हम गहराई में नहीं जाते, हमें चाहिए वैसा रिजल्ट मिलता भी नहीं। नाउ कमिंग टू द टॉपिक सोल हीलिंग। सोल, व्हाट डू वी मीन बाय द वर्ड सोल? सोल के बहुत सारे मीनिंग हम डिराइव कर सकते हैं थियोरिटिकली। प्रैक्टिकली कुछ दो तीन एस्पेक्ट मैं आपको आज बताता हूँ कि सोल एक्चुअली क्या होता है, किस तरह से हम हमारे सोल को आइडेंटिफाई कर सकते हैं, किस तरह से हम हमारी सोल को ग्रो कर सकते हैं, और हर सोल का एक लाइफ पर्पस होता है, किस तरह से हम उस पर्पस को आइडेंटिफाई करें, किस तरह से हम हमारे लाइफ के जो हमारे सोल का जो पर्पस है वो पर्पस को अचीव करें, किस तरह से हम हमारी डिवाइन टाइमिंग या डिवाइन कॉलिंग जो है उसे आइडेंटिफाई करें, उसकी जर्नी हम शुरू करें। क्योंकि वो जर्नी जो नॉर्मल रूटीन मटीरियलिस्टिक लाइफ है उससे बहुत अलग है, और उसमें जीने का आनंद भी कुछ अलग ही है। कुछ एक्सपीरियंस अगर आपको हुए होंगे तो आप मेरे साथ बाद में शेयर कर सकते हो इसके बारे में। अब बात करते हैं थोड़ी गहराई में, सोल को समझते हैं क्या है। उसके पहले मैं आपको थोड़ा सा बैकग्राउंड बताना चाहता हूं कि हमारा इनकार्नेशन कैसे होता है। हाउ डू वी इनकार्नेट इन दिस बॉडी विद दिस नेम इन दिस फैमिली? हर सोल की क्या स्टोरी होती है, वो स्टोरी कैसे बनती है, और फिर उससे मिलते जुलते हमारे लाइफ के एक्सपीरियंसेस कैसे होते हैं वो देखते हैं। ये लाइफ जीने से पहले हमने बहुत सारे लाइफ टाइम्स जिए हैं। सारे ऋषि मुनियों का, मास्टर्स का यही कहना है कि आज जो हम लाइफ जी रहे हैं उसके पहले मिनिमम 50 to 100 लाइफ टाइम्स वी हैव लिव्ड। 50 से 100 लाइफ टाइम हम जी चुके हैं, इतनी बार हम आ चुके हैं धरती पे। और जितनी बार हम धरती पे आते हैं उतनी बार हमारे ऊपर एक कंडीशन अप्लाई होती है कि क्योंकि यूनिवर्स में हर एक चीज एनर्जी से चलती है, तो उसकी एनर्जी में इम्बैलेंस क्रिएट करने का हमें कोई अधिकार नहीं है। फिर भी हमारे कर्म के द्वारा, माइंड बॉडी और इमोशंस के द्वारा हम जो कर्म क्रिएट करते हैं वो कर्म से इम्बैलेंस क्रिएट होता है।
और जब हम बूढ़े हो जाते हैं, हमारा फ्यूल खत्म हो जाता है, हम वापस चले जाते हैं इस बॉडी को छोड़ के। बॉडी की एक लिमिट है, उस लिमिट के बियॉन्ड ये बॉडी सरवाइव नहीं कर पाता, क्योंकि एनर्जी जो है वो धीरे 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 कम हो जाती है बुढ़ापे में। और एक दिन ऐसा आता है जब एनर्जी जीरो हो जाती है। जब एनर्जी जीरो हो जाती है मींस के हमारा फ्यूल खत्म हो गया, वी हैव टू गो बैक। जब हम वापस चले जाते हैं तो कुछ हमारी स्टोरी जो है वो अधूरी रह जाती है। कुछ एनर्जी के इम्बैलेंस जो हमने क्रिएट किए हैं उसे पूरा करना बाकी रह जाता है। तो उसे पूरा करने के लिए हम वापस इनकार्नेट होते हैं, और ये एक जर्नी है, मेटाफिजिकल टू फिजिकल, फ्रॉम फॉर्मलेस टू फॉर्म। ये बॉडी में जब तक है हम, तब हम फॉर्म में है, फिजिकल फॉर्म में। जब हम यहाँ से चले जाते हैं, डेथ हो जाती है, तो हम वापस मेटाफिजिकल में, फॉर्मलेस एनर्जी में चले जाते हैं। जब फॉर्मलेस एनर्जी में चले जाते हैं तो हमें वहां पे जाके हिसाब देना पड़ता है उस परमात्मा को। तो पता चलता है कि बहुत सारा इम्बैलेंस ऑलरेडी हमने क्रिएट किया हुआ है, जिसे पूरा करने के लिए हमें वापस जाना पड़े। तो हम एक प्रोजेक्ट रिपोर्ट सबमिट करते, वो सैंक्शन हो जाता है, क्योंकि हमारी ही फ्री विल है। गॉड डजंट इंटरफियर इन योर फ्री विल, योर कर्म ऑल्सो डजंट इंटरफियर इन योर फ्री विल। ये हमारी खुद की ही चॉइस है, खुद की ही चॉइस के द्वारा हम कर्म क्रिएट करते हैं, एनर्जी के इम्बैलेंस क्रिएट करते हैं। तो परमात्मा उसे ततास्तु कहते हैं और बोलते हैं जा और तेरा जो भी लाइफ का पर्पस है उसे पूरा करके आ। नाउ एवरी ह्यूमन बीइंग हैव डिफरेंट पर्पस टू कंप्लीट। किसी के लिए वो अपने आप को प्रूव करना हो सकता है, किसी के लिए रिलेशनशिप को समझना हो सकता है, किसी के लिए हेल्थ के इश्यूज को समझना हो सकता है, किसी के लिए कोई इनोवेशन करना हो सकता है, किसी के लिए कोई स्पिरिचुअल जर्नी हो सकता है, किसी के लिए मटेरियलिस्टिक सक्सेस पाना हो सकता है, किसी के लिए सेलिब्रिटी बनना हो सकता है, किसी के लिए पैसे की कोई स्टोरी हो सकती है। इस तरह के अलग अलग स्टोरी हम लेके इनकार्नेट होते हैं। अब जिस तरह की स्टोरी हमें कंप्लीट करनी है, जिस तरह के एक्सपीरियंस हमें करने हैं, उसी तरह के फैमिली बैकग्राउंड, एजुकेशनल बैकग्राउंड, एनवायरमेंटल बैकग्राउंड और इकोनॉमिकल बैकग्राउंड वाली फैमिली या सेट ऑफ पेरेंट्स हम खुद सिलेक्ट करते हैं। और हमें लगता है कि ये एक्सपीरियंस मुझे इस फैमिली से मिलेगा, तो उस मदर के वूम में हम कंसीव हो जाते हैं और हम खुद ही फॉर्मलेस स्टेट में सिलेक्ट करते हैं कि हमें किस फैमिली में बॉर्न होना है। इट इज ऑल्सो बाई चॉइस। और जैसे हम इनकार्नेट हो जाते हैं तो हमारी स्टोरी जो है वो उस लेवल से आगे बढ़ना शुरू होती है, और उसके ऊपर हमारे पेरेंट्स के विचार, हमारे सोसाइटी के विचार, हमारा खुद का बिहेवियर, हमारी खुद की पसंद नापसंद, फिर हमारा इवोल्यूशन का प्रोसेस, 0 to 10 years तक हमारे साथ जो भी कुछ होता है वो भी एक फाउंडेशन का काम करता है। उससे भी हमारी एक स्टोरी बनती है, उससे हमारा परसेप्शन बनता है, हमारे बिलीफ सिस्टम्स बनते हैं, रूल्स ऑफ लाइफ बनते हैं। ये सारी चीजें जब हम बड़े होते हैं तो भी हमें इन्फ्लुएंस करती है। और साथ में बैकग्राउंड में जो हर सोल का एक प्रारब्ध है, जो इनकम्प्लीटनेस या जो स्टोरी हम लेके बॉर्न हुए हैं, वो भी अपना काम करती है। प्रारब्ध बुलाता है, प्रारब्ध हमारे लाइफ के सारे एक्सपीरियंसेस को क्रिएट करता है। और हर सोल का जो प्रारब्ध है वो है उसकी खुद की इनकम्प्लीटनेस, जो पूरा करने के लिए आए हैं। और वो सारी चीजें जिससे हम लाइफ भर में स्ट्रगल करते हैं, या वो सारी चीजें जिसे हम बदलने की कोशिश कर रहे हैं, जिससे हम छुटकारा पाना चाहते हैं, या जो चीजें हम एक्सपीरियंस करना चाहते हैं पर हो नहीं पा रही है, या हमारी सोल की जो एक क्रेविंग होती है, वो ही हमारी स्टोरी है, वो ही आपके सोल का पर्पस है, वही आपकी जर्नी है। और वही सोल हीलिंग या सोल की ग्रोथ या इवोल्यूशन करने के लिए, या उस स्टोरी को
अनवील करने के लिए हम इस बॉडी में, इस लाइफ में, इस नाम से, इस बैकग्राउंड में, इस फैमिली में इनकार्नेट हुए हैं. एंड कॉन्स्टेंटली हर सोल सेल्फ रियलाइजेशन करने से पहले ये सारे प्रोसेसेस के थ्रू गुजरता है, और ये सारे एक्सपीरियंसेस को वो करता है, और ये सारे एक्सपीरियंसेस जिससे हम गुजर रहे हैं इस मोमेंट में, उसी को हील करना, हमारे सोल की हीलिंग करना है. और इसे करने के लिए बहुत सारे मेथड्स हो सकते हैं, बहुत सारे मॉडालिटीज हो सकते हैं, बहुत सारे टेक्निक्स हो सकते हैं. और जैसा मैंने आपको पहले बताया कि जिस तरह की आपकी एप्टीट्यूड है, जो चीजें आपको करना पसंद है, वो पाथ आप सिलेक्ट कर सकते हो. फॉर समबडी मंत्रा कैन बी द इजीएस्ट वे टू डू, फॉर समबडी मेडिटेशन और फिजिकल एक्सरसाइज या रेकी या क्रिस्टल हीलिंग, इस तरह के किसी भी हीलिंग के टेक्निक सूटेबल हो सकते हैं. एक दो डेमो हम आज करते हैं. आई गिव यू वन और टू टेक्निक्स टू प्रैक्टिस, जिससे आपको आपकी लाइफ की स्टोरी को अनफोल्ड करने में कुछ हेल्प जरूर मिलेगी. कुछ एक दो हायर लेवल के मेडिटेशन है, वो भी आप चाहो तो मैं आपको यहाँ पे करा सकता हूँ, जिससे आप ये फाइंड आउट कर सकते हो कि आप कौन हो, आपके लाइफ का क्या पर्पस है. एंड आई एम श्योर आप जितने लोग आज इस वेबिनार में मेरे साथ जुड़े हो, वो सब अपने स्पिरिचुअल पाथ पे हो. आप सब ने कुछ ना कुछ चीजें तो हीलिंग के बारे में जरूर सीखी है, नहीं तो आज आप इस वेबिनार में नहीं आते. आप यहाँ पे जुड़े हो मीन्स के आपका इंटरेस्ट है, आप अपनी लाइफ को चेंज करना चाहते हो, आप अपनी लाइफ के आंसर्स ढूंढ रहे हो, इसीलिए आप यहाँ पे हो आज, राइट? सो सम बेसिक नॉलेज यू डेफिनेटली हैव, और उसी को आप यूज करते हुए एक तो टेक्निक जो मैं आपको सिखाता हूँ उसे आप प्रैक्टिस कर सकते हो. क्रिया योगा का एक बहुत ही पावरफुल मेडिटेशन है जो मैं एडवांस लेवल में कराता हूँ, वो मैं आज आपको कराता हूँ. इसमें कोई डिफिकल्ट नहीं है, एडवांस लेवल में है. इट डजेंट मीन कि आपने बेसिक नहीं किया है तो आप ये नहीं कर सकते हो, ये बहुत ईजी है करना. मैं आपको गाइडेड वे में कराऊंगा तो आप बहुत आसानी से इसे कर पाओ. इसे करने के लिए आपको सबसे पहले आंखें बंद करनी है. आप इंश्योर कीजिए कि आपको कोई डिस्टर्ब ना करे, एक शांत कमरे में आप बैठिए. के आसपास में कहीं शोर ना हो, के घर में और भी मेंबर्स होंगे आपके फैमिली के, तो आप उन्हें बोल सकते हो थोड़ी देर शांत रहने के लिए. आपके लिए जो भी बैठने की पोजीशन कंफर्टेबल हो उस पोजीशन में बैठिए. आंखें बंद कीजिए. आप बेड पे, सोफे पे, फ्लोर पे कहीं भी बैठ सकते हो. ऐसा जरूरी नहीं है कि आपको कोई योगिक पोस्चर में ही बैठना है, आप इंक्लाइनर पोजीशन में भी बैठ सकते हो. आप चाहो तो लेट के भी कर सकते हो, जैसे आपको कंफर्टेबल हो वैसे कीजिए. आप स्पाइन स्ट्रेट रखनी है आपको. चिन हल्का सा ऊपर रखिए. आंखें बंद कीजिए. चेहरे पे एक हल्का सा स्माइल रखिए. और अपने हाथों को खुले रखिए. हाथ में मुद्रा मत रखिए कोई भी. अपने फिंगर्स को ज्वाइन मत कीजिए. और अपने हाथों को आप थाइज या नी के ऊपर रेस्ट कर सकते हो. दो तीन लंबी गहरी सांसें लीजिए. हर सांस के साथ अपने फिजिकल बॉडी को हल्का महसूस कीजिए. जितना आप अपने शरीर को हल्का महसूस करेंगे उतना आप मन की गहराई में जाएंगे.
और जितना आप मन की गहराई में जाएंगे, उतना ही आप अपने शरीर को हल्का महसूस करें। हमारा जो भी आइडेंटिफिकेशन हमारे खुद के साथ है, वो इस बॉडी की वजह से है। बिकॉज वी आइडेंटिफाई अवर सेल्फ इन दिस बॉडी। बट क्या आप ये शरीर हो? आप ये शरीर नहीं हो। आप अपने मन में बोलिए, आई एम नॉट दिस बॉडी। मैं एक शरीर नहीं हूं, मैं उस शरीर में रहने वाली एक चेतना हूं, मैं एक ऑब्जर्वर हूं जो इस बॉडी के द्वारा सारे एक्सपीरियंसेस को होते हुए देख रहा है। मैं ये माइंड भी नहीं हूं। मैं ये सांसें भी नहीं हूं। मैं ये नाम भी नहीं हूं। मैं ये सरनेम भी नहीं हूं। ये सारी चीजें जो मैं बोल रहा हूं वन बाय वन, उसे आप ड्रॉप कीजिए। सबसे पहले ड्रॉप कीजिए कि मैं ये शरीर हूं, मैं ये मन भी नहीं हूं, मैं ये नाम भी नहीं हूं, मैं सिर्फ एक ऑब्जर्वर हूं जो इस लाइफ को होते हुए देख रहा हूं या देख रही हूं। मैं ये सरनेम भी नहीं हूं, मैं ये फैमिली भी नहीं हूं, ड्रॉप योर फैमिली। मैं ये रिलेशनशिप्स भी नहीं हूं, मैं सन या डॉटर भी नहीं हूं, मैं फादर या मदर भी नहीं हूं, मैं ब्रदर या सिस्टर भी नहीं हूं, मैं हस्बैंड या वाइफ भी नहीं हूं। I am not this relationship. ये सब टेम्पररी है, इस लाइफ के लिए है, पर मैं वो नहीं हूं। मैं ये लैंग्वेज भी नहीं हूं। हमारे लाइफ की सारी अंडरस्टैंडिंग सिर्फ इसलिए है क्योंकि हमें ये लैंग्वेज पता है। आप ये लैंग्वेज भी नहीं हो, क्योंकि इस बॉडी में इनकार्नेट होने से पहले आपको ये लैंग्वेज नहीं पता थी। सो यू आर नॉट दिस लैंग्वेज। आप तो इसके पहले भी एग्जिस्ट करते थे। आई एम नॉट दिस रिलीजन। मैं ये धर्म भी नहीं हूं, मैं ये जाति का भी नहीं हूं, मैं ये शहर का भी नहीं हूं। ड्रॉप एवरीथिंग अबाउट योर सेल्फ। हमने जितने एसोसिएशन हमारे खुद के साथ बनाए हैं, उसे ड्रॉप कीजिए। मैं ये विचार भी नहीं हूं, मैं ये पसंद या नापसंद भी नहीं हूं, मैं सिर्फ एक ऑब्जर्वर हूं। मैं ये सेंसेस भी नहीं हूं। मैं ये ईगो भी नहीं हूं, मैं ये नॉलेज भी नहीं हूं, मैं ये एजुकेशन भी नहीं हूं। ये सारी चीजें हमने जमा की है, हमारे शरीर से लेके, मन से लेके, रिलेशनशिप से लेके, लैंग्वेज, रिलीजन, योर थॉट प्रोसेस, योर बिलीफ सिस्टम्स, योर परसेप्शन, एवरीथिंग इज एन एक्यूमुलेशन। और जो कोई एक्यूमुलेशन आपने किया है, वो आपको लगता है कि वो आप हो, लेकिन वो आप नहीं हो। ये सारी चीजें ड्रॉप कीजिए और अपने आप को एक फॉर्मलेस स्टेट में देखिए कि आप एक फॉर्मलेस कॉन्शियसनेस हो जो सिर्फ एक ऑब्जर्वर है। जैसे आपके साथ फिजिकल रियलिटी में कोई एक्सपीरियंस होता है, कोई व्यक्ति आपसे किसी तरह का कोई व्यवहार करता है या बातें करता है,
तो आप उसे देखते हो, जैसे ही देखते हो आप उसे जज करते हो कि ये व्यक्ति ऐसा क्यों है, ये व्यक्ति ऐसा क्यों कर रहा है। वो सारी चीजें जो हो रही है वही आपका ऑब्जर्वर है आपके अंदर का, और जो ऑब्जर्वर है आपके अंदर वही आपका सोल है, वही आप हो। आप जो फील करते हो ना अपने अंदर, वो फीलिंग जो कर रहा है वो आप हो, वो ऑब्जर्वर आप हो। उस ऑब्जर्वर को आपको एक्टिवेट करना है। जिस दिन वो ऑब्जर्वर एक्टिवेट हो जाएगा, आपकी सोल की हीलिंग अपने आप हो जाएगी। उसके लिए आपको कोई नॉलेज एक्वायर करने की जरूरत नहीं है, कोई बड़े बड़े प्रोसेस या कॉम्प्लिकेशंस करने की जरूरत नहीं है। बहुत ही एफर्टलेस जर्नी है ये। आपको रोज अपने आप को ये रिमाइंड कराना है, इस मेडिटेशन को करना है। आने वाले 30 डेज तक आप इसे रोज कीजिए। स्टेप्स आपको मैं फिर से बता देता हूँ। ड्रॉप योर माइंड, ड्रॉप योर बॉडी, ड्रॉप एवरीथिंग अबाउट योर सेल्फ। मेंटली ड्रॉप करो सब चीजें। ऐसा नहीं होगा कि आप मेंटली ड्रॉप करोगे तो फिजिकल रियलिटी में सारी चीजें या लोग आपसे छूट जाएंगे, ऐसा नहीं होगा। डोंट वरी अबाउट दैट, वो तो रहेंगे ही, रिलेशनशिप भी रहेंगे, आपका शरीर भी रहेगा, आपकी वस्तुएं भी रहेगी, आपकी आइडियोलॉजी भी रहेगी, सब कुछ रहेगा। सिर्फ एक चीज डिसअपियर हो जाएगी, वो है आपका ईगो। आपका जो खुद का आइडेंटिफिकेशन है अपने खुद के साथ, वो चेंज होने लगेगा, वो बदल जाएगा। और जिस दिन वो बदल जाएगा, आप रियलाइज करने लगोगे, अपने अंदर एक्सपीरियंस करने लगोगे कि आप एक सोल हो, आप ये बॉडी या माइंड, ये थॉट प्रोसेस आप नहीं हो। आपने जो मटेरियल चीजें जमा की है ना, वो भी आप नहीं हो। ये मोबाइल फोन भी आपका नहीं है, ये लैपटॉप, ये फ्रिज, टीवी, कार, वार्डरोब, पैसे, ज्वेलरी, कुछ भी नहीं है। ये सब इल्यूजन है, ये सब माया है। और माया को हम रियल समझ बैठे। ये शरीर भी माया है। सारी माया को आपको ड्रॉप करना है अपने माइंड से, ध्यान की अवस्था में। रोज थोड़ी देर बैठ के, एटलीस्ट 2-3 मिनट भी अगर आप इसे कर लोगे, तो आप देखोगे कि आपकी कॉन्शियसनेस में बहुत पॉजिटिव बदलाव आने लगेंगे। एंड इट इज वेरी इजी टू प्रैक्टिस। बॉडी की स्टिलनेस को अचीव करके 2-3 ब्रेथ अपने ऑब्जर्व करके आप वन बाय वन अपने आप से बोलना शुरू कीजिए, मैं ये एक्यूमुलेशन नहीं हूं। अपने चेहरे पे एक स्माइल लाइए, अपने फिजिकल बॉडी का चार्ज लीजिए, अपने नीचे की सरफेस को फील कीजिए, अपनी बॉडी और एनर्जी को इंटीग्रेट होने दीजिए। दोनों हाथों को रब कीजिए और हथेली में देख के एक स्माइल के साथ अपनी आंखें खोलिए। वेलकम बैक। एक और टॉपिक की बात करते हैं, देन वी विल एंड दिस प्रोग्राम। यू नो, जैसे अभी मैंने आपको ये मेडिटेशन में ये एहसास कराया कि आप ये बॉडी या माइंड नहीं हो, आप एक ऑब्जर्वर हो। हम सबके अंदर एक ऑब्जर्वर है। यू नो, लाइफ में दो जन यानी दो व्यक्ति से या दो ऐसी चीजें हैं जिससे आपके अंदर क्या चल रहा है ना, वो छुपा हुआ नहीं है। यू कैन नॉट हाइड। आप अपने आप से हाइड नहीं कर सकते कि आपके अंदर क्या चल रहा है। एग्जाम्पल देता हूं, सपोज हम झूठ बोलते हैं फॉर एनी रीजन, तब किसी को पता हो ना हो, हमारे अंदर तो पता होता है ना कि हमने झूठ बोला है या कुछ गलत अगर किया है, तो हमारा कॉन्शियस तो हमें बोलता ही है ना कि तूने क्या किया है। तो वो जो कॉन्शियस है ना, जो देख रहा है आपको, आपके अंदर से ही आपको देख रहा है, वो आपका सोल है, वो आप हो।
और वो जो जज कर रहा है वही चीजें आपके साथ हो रही है। वो अगर जज कर रहा है ना कि तुम्हारी बॉडी में दर्द है तो दर्द होगा, वो अगर जज करेगा कि तुम्हारा बॉडी में ओवरवेट है तो ओवरवेट होगा, वो जज करेगा कि पैसे नहीं आ रहे तो नहीं आएंगे, वो जज करेगा कि ये इंसान अच्छा नहीं है तो वो इंसान आपके साथ अच्छा व्यवहार नहीं करेगा। जो जज करेगा वो चीजें होगा, पॉजिटिवली भी होगा और नेगेटिवली भी होगा। तो आपके सारे जजमेंट्स को आप आइडेंटिफाई कीजिए सोल लेवल पे, आपने क्या क्या जजमेंट आज तक पास किए हैं खुद को लेके, फैमिली को लेके, बच्चों को लेके, हस्बैंड वाइफ को लेके, ब्रदर सिस्टर को लेके, हमारे प्रधानमंत्री को लेके, कोरोना को लेके, हर चीज में आपने क्या जज किया है वही चीज आपके साथ होगी, क्योंकि वो आपका सोल अंदर से क्रिएट किए जा रहा है, उससे कुछ भी नहीं छुपा है। एंड सेकेंड, वो परमात्मा, उससे भी कुछ भी नहीं छुपा है, वो भी आपको देख रहा है, आपके कर्म भी आपको देख रहे हैं, जो भी कुछ कर रहे हो ये दो एनर्जी से छुपा हुआ नहीं है, एक आपके खुद के साथ और एक यूनिवर्सल इंटेलिजेंस के साथ सब कुछ दिखाई दे रहा है। वी आर बीइंग कॉन्स्टेंटली वॉच्ड, जैसे वो होता है ना एक सीसीटीवी कैमरा लगाते हैं जिसमें हम देखे जाते हैं हमेशा, तो ये दो चीजों के द्वारा हम हमेशा देखे जा रहे हैं, ऑब्जर्व किए जा रहे हैं, और हर इंसान को ये फियर होती है दैट आई एम बीइंग वॉच्ड, इसीलिए हम सस्ते सवरते हैं, अच्छा दिखने की कोशिश करते हैं। क्यों? क्योंकि हमारे अंदर के ऑब्जर्वर को पता है कि लोग मुझे ऑब्जर्व कर रहे हैं, इसीलिए हम थोड़ा बहुत डिसिप्लिन में रहते हैं। क्यों? क्योंकि पूरी दुनिया, सोसाइटी, समाज हमें देख रहा है और उससे डरते हैं हम। वॉट वी फियर इज दी ऑब्जर्वेशन ऑफ अदर पीपल, जैसे हमारे अंदर एक विटनेस है, ऑब्जर्वर है, वैसे ही हर व्यक्ति के अंदर एक ऑब्जर्वर है, वो भी आपको देख रहा है, पर उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। फर्क इससे जरूर पड़ता है कि आप अपने आप को किस तरह से देखते हो। इफ यू सी योर सेल्फ एज अ फेलियर, यू विल बी अ फेलियर। इफ यू सी योर सेल्फ एज अ सक्सेस और एज अ सेलिब्रिटी, यू विल बिकम अ सेलिब्रिटी। तो अपने आप को एक सेलिब्रिटी की तरह देखना शुरू कीजिए। आप जो भी कोई काम करते हो, भले आप हाउसवाइफ हो या सीनियर सिटीजन हो, रिटायर्ड हो, बिजनेसमैन हो, हीलर हो, स्टूडेंट हो, प्रोफेशनल हो, जो भी कोई हो, अपने आप को अच्छे से देखना शुरू करो इस ऑब्जर्वर के द्वारा। इस मेडिटेशन को आप पॉजिटिवली भी कर सकते हो, इसमें आप यही ध्यान के द्वारा, जो ध्यान मैंने आपको सिखाया है उसी ध्यान के द्वारा आप अपने आप को ही देखिए। आप ऐसा फील कीजिए कि आपके सामने दीवार पे एक मिरर लगा है और उस मिरर में आप अपने आप को देख रहे हो, और जो भी पॉजिटिव चेंजेस आप अपनी लाइफ में देखना चाहते हो, चाहे वो मटेरियलिस्टिक लेवल पे हो, बिजनेस, करियर, प्रोफेशन के रिलेटेड हो, फैमिली, बच्चे, शादी, रिलेशनशिप, लव, हैप्पीनेस, हेल्थ के बारे में हो, तो भी आप उसमें देखिए कि कैसे चीजें इम्प्रूव हो रही है। और रोज अगर उस तरह से ऑब्जर्व करना शुरू करोगे तो आपकी सोल की हीलिंग डेफिनेटली हो जाएगी, और ये दोनों टेक्निक आपको बहुत ही पावरफुल रिजल्ट्स दे सकती है। इससे पावरफुल और कुछ भी नहीं है, आपको और कुछ सीखने की जरूरत नहीं है। अगर ये दो चीज भी आपने बहुत अच्छे से अप्लाई कर दी तो 10-15 दिन में आपके जीवन में मिरेकल्स होना शुरू हो जाएंगे। मेरे लाइफ में हुए हैं, यही चीजें यूज करके हुए हैं। मैं और कोई ज्यादा कॉम्प्लिकेटेड प्रोसेस में बिलीव नहीं करता, क्योंकि कॉम्प्लिकेटेड चीजें हम कर ही नहीं पाते हैं, इजी चीजें कीजिए। पर हमारे माइंड का नेचर है इजी चीज को भी कॉम्प्लिकेटेड बना देगा। आपका माइंड आपको इस टेक्निक के बारे में भी बहुत सारे डाउट देगा, बोलेगा इतना इजी है तो रिजल्ट कैसे देगा, फायदा कैसे होगा। आप एक्सपीरियंस करो, पहले फायदा ले लो फिर बिलीव करो। अभी बिलीव नहीं करके, प्रैक्टिस नहीं करने से तो अच्छा है ना कि थोड़े दिन
आप श्रद्धा के साथ इसे प्रैक्टिस करो, अच्छा एक्सपीरियंस हो जाएगा, फायदा हो जाएगा, फिर बिलीव करो, फिर अपने फैमिली के साथ, फ्रेंड्स के साथ, सबके साथ शेयर करो। ठीक है, अगर आपको कोई क्वेश्चन है तो मुझे आप चैट पे लिख के पूछ सकते हो। आई विल अटेंड फ्यू क्वेश्चंस, दो चार क्वेश्चन देखते हैं। इफ यू हैव एनी डाउट प्लीज टेल मी। हाँ, भारती जी ने लिखा है सेकंड टेक्निक फिर से बताइए। सेकंड टेक्निक में आपको क्या करना है, पहले बॉडी की स्टिलनेस को अचीव करना है। बॉडी स्थिर कर लो, हाथ खुले रखो, स्पाइन सीधी रखो, चिन हल्का सा ऊपर रखो, चेहरे पे एक स्माइल रखो और फील करो, इमेजिन करो या विजुअलाइज करो कि आपके घर में जहाँ पे भी मिरर है ना, वहां पे आप चल के जा रहे हो और उस मिरर के सामने खड़े, थोड़े से डिस्टेंस पे, मिनिमम 3 to 4 फीट का डिस्टेंस रखिए मिरर और आपके बीच में। और जैसे आप मूवी देखते हो ना, सिनेमा हॉल में जाते हो, कैसे मूवी देखते हो, उस तरह से मिरर में अपने साथ कुछ चीजें होते हुए देखी, एक मूवी चल रहा है उस तरह से। अगर मिरर में डिफिकल्ट हो रहा है तो आप यही फील कीजिए कि आप सिनेमा हॉल में बैठे हो या आपके घर के टीवी के सामने आप बैठे हो, उस रूम में और कोई नहीं है और वो टीवी पे वो चीजें चल रही है जो आप पाना चाहते हो या जो आप चीजें बदलना चाहते हो, हीलिंग करना चाहते हो, वो चीजें देखिए आप उसमें। तो उसमें 3 लेवल की विटनेसिंग होगी, विटनेसिंग के द्वारा ये चीजें क्रिएट होती है। आपके अंदर का ऑब्जर्वर है ना, वही क्रिएट करता है सब चीजें। अतुल शाह ने पूछा है, वाइल टॉकिंग ऑफ इनकार्नेशन कैन यू प्लीज टेल अबाउट पास्ट लाइफ रिग्रेशन, एनी सच टेक्निक कैन यू शेयर हियर लाइक यू डिड जस्ट नाउ फॉर हीलिंग। सर ऐसा है, पास्ट लाइफ रिग्रेशन के लिए है ना, आपको ध्यान की एक और डीपर अवस्था में जाना पड़ता है जिसमें हिप्नोथेरेपी के कुछ डीपर लेवल के प्रोसेस होते हैं, उसे करके आप पास्ट लाइफ देखना शुरू कर सकते हो। पर ये जो है ना, थोड़ा सा डिफिकल्ट प्रोसेस है, सब लोग नहीं जा पाते पास्ट लाइफ में, और टाइम बाउंड प्रोसेस है, एक सेशन में होता नहीं है, मिनिमम 8 से 10 या 12 सेशन करने पड़ते हैं उसके, एंड टाइम भी लगता है उसमें, क्योंकि जैसे जैसे आपकी फिर प्रैक्टिस हिप्नोथेरेपिस्ट के साथ में बैठ के होती है, सेशन होते हैं उसमें, एक एक घंटे के सेशन होते हैं, और हर सेशन में आपको वो ध्यान की अवस्था में लेके जाते हैं, सबकॉन्शियस माइंड से बात कराते हैं, फिर धीरे 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 आप पास्ट लाइफ में जाना सीखते हो। थोड़ा सा टीडियस प्रोसेस है, पर आपको मैं एक ऐसी टेक्निक सिखा सकता हूँ जिसे आप करके खुद ही अपनी पास्ट लाइफ देख सकते हो। आप पहले दिन नहीं दिखाई देगी, बट अगर आपकी तैयारी है और आप प्रैक्टिस करने को तैयार हो तो 15-20 दिन, 1 महीना 2 महीना 4 महीना 6 महीने की प्रैक्टिस के बाद आप धीरे 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 अपनी पास्ट लाइफ को देख पाओगे। सपोज इफ आई टेल यू, अभी 2020 चल रहा है, 2015 में क्या हुआ था आप याद करके बोल सकते हो? थोड़ा बहुत कुछ तो याद आएगा क्या हुआ था। फिर मैं बोलूंगा आपको 2010 में क्या हुआ था, 2005 में क्या हुआ था, 2000 में क्या हुआ था। फिर धीरे धीरे ऐसे जैसे आप पीछे जाते हो तो मैं आपको पूछूंगा आप कॉलेज में थे तो क्या हुआ था, तो वो भी आपको याद आएगा। फिर मैं पूछूंगा आप स्कूल में थे, आप जब छोटे थे 4-5 साल के तब कहाँ पे रहते थे, कौन से घर में रहते थे, आपके फ्रेंड्स कौन थे, आपका नेबर कौन था, ये सारी चीजें आप रिकलेक्ट कर सकते हो, राइट? सो व्हाट वी डू इज, यहां से हम लोग बैकवर्ड जर्नी कर रहे हैं अपनी मेमोरी में, बराबर है? पर हमारा माइंड जो है ना, लिमिटेड कॉन्शियसनेस पे काम करता है अभी, लिमिटेड अवेयरनेस पे। तो ये लाइफ टाइम की कुछ चीजें हमें याद रहती है, वो भी 2 साल पहले का कुछ याद नहीं होगा आपको, क्योंकि 2 साल तक, 0 to 2 years, हमारा कॉन्शियस माइंड इतना डेवलप नहीं होता। 2 साल के बाद की चीजें आप रिकलेक्ट कर सकते हो, पर 2 साल पहले भी जो हुआ, 0 to 2 years,
वो आपके सबकॉन्शियस माइंड में है। अगर आप अल्फा लेवल या थीटा लेवल के मेडिटेशन सीखो या हिप्नोथेरेपी के प्रोसेस सीखो या ध्यान के प्रोसेस सीखो तो आप उसे भी एक्सेस कर सकते हो, उस मेमोरी को भी रिकॉल कर सकते हो। फिर -9 मंथ्स, 0 to 9 मंथ्स, जिस मोमेंट में आप कंसीव हुए उसके बाद मदर के वोम में 9 मंथ्स, वो 9 मंथ्स की भी सारी बातें आप याद कर सकते हो, क्योंकि वो भी आपके माइंड में है, कहीं नहीं गई। मैंने याद की है वो सारी चीजें ध्यान की अवस्था में। और मेरे मदर तो अभी नहीं है, पर मेरी मासी है जो मेरी मदर से भी बड़ी है। तो कुछ चीजें जो मैंने, मेरी मम्मी मुझे लेके जब प्रेग्नेंट थी तब उसके साथ एक दो एक्सपीरियंस ऐसे हुए थे जो थोड़े से ट्रॉमेटिक थे, वो मैंने मेरी मासी से कंफर्म किए थे कि क्या ऐसा हुआ था तभी। तो मेरी मासी ने बोला था कि हाँ हुआ था, और उन्होंने मुझे ये भी पूछा कि तुझे किसने बताया। तो मैंने ऐसे बोला कि मुझे ऐसा लगा, तो मैं आपको पूछ रहा हूं सच है कि नहीं। इस तरह से आप वैलिडेशन भी कर सकते हो। और आपने इसका भी स्टोरी सुना होगा अभिमन्यु का, अर्जुन उसकी वाइफ को सारी स्टोरी बताता था चक्रव्यूह के बारे में, वो अभिमन्यु ने मदर के वूम में सुनी थी, पर वो सुनते सुनते उसकी मदर सो गई तो उसके बाद की स्टोरी उसको याद नहीं है। और वो चक्रव्यूह में चला तो जाता है पर बाहर निकलने का रास्ता उसे नहीं पता, क्योंकि वो मेमोरी को वो रिकॉल नहीं कर पाता। जो -9 मंथ्स का भी देख सकते हो आप। फिर जैसे जैसे आप बैकवर्ड ट्रैवल करोगे, माइंड से जर्नी करोगे बैकवर्ड जर्नी, तो आप इमीडिएट पास्ट लाइफ में जा सकते हो। ये आपकी इमीडिएट पास्ट लाइफ जो थी इसके पहले की वो क्या थी। फिर इसके ऊपर से आप थोड़ी और गहराई में चले जाओ तो आप अपनी रिग्रेशन भी कर सकते हो। अगर लाइफ के अभी के प्रेजेंट डे के कोई इश्यूज को अगर आप पास्ट लाइफ रिग्रेशन के द्वारा रिजॉल्व करना चाहो तो आप ध्यान करना सीखो, और उसमें धीरे धीरे गहराई में जाके आप ये सारी चीजें कर सकते हो। और एक ऑप्शन है कि आप खुद सीख सकते हो, हिप्नोथेरेपी के मेथड्स होते हैं वो सीख सकते हो, पास्ट लाइफ रिग्रेशन खुद सीख सकते हो, या फिर किसी प्रोफेशनल के पास सेशंस लेके करवा सकते। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। मिरर में पास्ट प्रेजेंट भी देखना है क्या, ओनली फ्यूचर फील करना है? नहीं, पास्ट और प्रेजेंट नहीं देखना है आपको। ये टेक्निक इसके लिए यूज करना है कि आप आगे क्या पाना चाहते हो, आप क्या बनना चाहते हो, आपके क्या काम आप पूरे करना चाहते हो, क्या मैनिफेस्ट करना चाहते हो, क्या अट्रैक्ट करना चाहते हो, वो सब चीजें आप उसमें देखो। देन फर्स्ट टेक्निक किस लिए करना है? फर्स्ट टेक्निक आपको अपनी हीलिंग करने के लिए करना है, अपनी कॉन्शियसनेस को जागृत करने के लिए करना है, आपको आपके सोल के अंदर जो विटनेस है उस विटनेस को एक्टिवेट करने के लिए करना है। उससे फायदा आपको ये होगा कि आप की अभी प्रेजेंट डे सिचुएशन या लाइफ जो भी हो उसे हैंडल करने की पावर आपको मिलेगी। उससे मैं ये नहीं कहता कि रातों रात आपकी चीजें बदल जाएगी, आपकी लाइफ चेंज हो जाएगी, पॉजिटिव चेंजेस आ जाएंगे, इमिजिएटली नहीं होगा। पर इमीडिएटली आपको एक फायदा ये होगा कि अभी आपकी जो भी लाइफ है उसे बहुत प्रॉपर वे में हैंडल करने की शक्ति आपको मिलेगी, और लाइफ के बारे में आपकी खुद के बारे में नॉलेज बढ़ेगी, सेल्फ रियलाइजेशन के प्रोसेस पे आपकी जर्नी शुरू हो जाएगी। मैनिफेस्टेशन के लिए कैसे जागरूक करें, मनीष जी ने पूछा है। वही मैंने आपको जो बताया वही मिरर टेक्निक या वो सिनेमा हॉल वाला टेक्निक आप कर सकते हो। ओके, हाउ कैन वी फाइंड अवर लाइफ पर्पस?
लाइफ पर्पस यही है, फर्स्ट टेक्निक जो मैंने आपको सिखाया उसी से आपको पता चलेगा कि आपके लाइफ का क्या पर्पस है। और आपके लाइफ का पर्पस वही है, आपको मैं एक लाइन में एक्सप्लेन कर सकता हूँ, लॉजिकली समझना थोड़ा मुश्किल है पर जब ध्यान आप करने लगोगे ना तो आपको समझ में आ जाएगा। आप चाहिए तो ये जो अभी मैं बता रहा हूँ 2-3 सेंटेंस, वो आप लिख के रखना, आपको लाइफ पर्पस क्या है थोड़े दिनों में पता चल जाएगा। लाइफ का ऐसा कौन सा एरिया है आपका, या लाइफ की ऐसी कौन सी चीज है जिसके ऊपर आप मैक्सिमम मेहनत कर रहे हो और आपको मिनिमम रिजल्ट मिल रहा है, उसके ऑपोजिट आपका लाइफ पर्पस है। लाइफ के जो एरिया में आप सबसे ज्यादा मेहनत कर रहे हो या जो चीज को लेके सबसे ज्यादा आप मेहनत कर रहे हो, सबसे ज्यादा कोई चीज डेस्परेटली जो आप चाह रहे हो ना, वही आपका लाइफ पर्पस है। उसी को जीना, उसी को एक्सपीरियंस करना आपके लाइफ का पर्पस है। चलो, विद दिस विल एंड दिस प्रोग्राम। मैं आप सबका शुक्रिया अदा करना चाहता हूँ इस प्रोग्राम में आने के लिए, इस प्रोग्राम का हिस्सा बनने के लिए और साथ ही मेरे जीवन का भी हिस्सा बनने के लिए। थैंक यू वेरी मच। आपको मेरे बारे में और जानकारी चाहिए, आप मुझसे कनेक्ट करना चाहते हो तो इस प्रोग्राम के ऑर्गेनाइजर से आप बात कर सकते हो। यू कैन टेक माय कॉन्टेक्ट डिटेल्स फ्रॉम देम, या फिर गूगल पे आप सर्च करोगे या यूट्यूब पे सर्च करोगे कल्पेश पटेल, तो आपको मेरी सारी प्रोफाइल विद थैंक वेबसाइट मिल जाएगी। यू वेरी मच कल्पेश भाई, या थैंक यू। आपने आज बहुत ही सुंदर नॉलेज दिया। कई जी चीजें लोगों के दिमाग में थी, ऐसे ऐसे सवाल थे जिसके जवाब हर कोई ढूंढते थे, मगर आपने जितनी अच्छी तरह से सिंपल लैंग्वेज में उसे एक्सप्लेन किया, जिसकी वजह से मोस्ट ऑफ ऑल मैं समझता हूँ कि जितने भी हमारे पार्टिसिपेंट्स थे वो सारे काफी खुश हुए और सब समझ चुके होंगे। तो सिक्स्थ सेंस रिसर्च एसोसिएशन इन होलिस्टिक मेडिसिन की ओर से मैं बी कुमार, मेरी तरफ से अशोक सचदेव जी, डॉक्टर जलपस और डॉक्टर कौशल शाह की ओर से मैं आपका और हमारे सभी पार्टिसिपेंट्स का शुक्रिया अदा करता हूँ। थैंक यू वेरी मच। थैंक यू अगर सर, अगर थैंक यू वेरी मच। हाँ आपको पार्टिसिपेंट्स, हाँ अगर आप सबको ये हमारे जो भी वेबिनार्स चल रहे हैं, 3 मई से चल रहे हैं, कंटिन्यूस चल रहे हैं, रोज 5:30 बजे हम लोग रेगुलर कर रहे हैं, तो जरूर आपके और मित्रों को, रिश्तेदारों को इसके बारे में बताइएगा। जरूर। और ये फ्री नॉलेज जो यहाँ से मिल रहा है, और अभी आपके पास समय है तो ये ज्ञान है, ले लीजिए, पता नहीं कब किस चीज की कहाँ जरूरत पड़ जाएगी, तो सही बात, उस समय आप उपयोग में इसे ले सकते हैं। सही बात। तो मैक्सिमम अपने इस वेबिनार ग्रुप में, सिक्स सेंस वेबिनार ग्रुप में जुड़िएगा, ताकि हर कोई, जरूर जैसे आप नॉलेज दे रहे हो वैसे बाकी लोगों को भी ये नॉलेज देने का एक सुंदर सा मौका मिले। बराबर। और आप में से किसी को भी मेरा कोई भी हेल्प चाहिए, कुछ भी पूछना चाहते हो तो आप मुझसे कांटेक्ट कर सकते हो, मुझे व्हाट्सएप पे भी मैसेज करके पूछ सकते हो। कल्पेश भाई पटेल के कांटेक्ट नंबर हम ग्रुप में जैसे हर रोज हर स्पीकर के डालते हैं वैसे डाल डाल देंगे, ताकि जब भी आपको कल्पेश भाई की जरूरत हो आप डायरेक्ट उनका कांटेक्ट कर सकते हैं। ठीक कल हमारे साथ होगी डॉक्टर उषा नायर, 5:30 बजे सबको टाइम पे पहुंचना है, और कल उषा नायर जी बहुत ही पावरफुल स्पीकर है वो भी, और कई चीजें मतलब ऐसे कि एक्सपर्टाइज है उनकी कि सबके बारे में बताना मुश्किल है। मैं चाहता हूं कि मैं उसके बारे में कुछ भी बताऊं उससे बेहतर है कि आप कल खुद उसे सुनने और एक्सपीरियंस करें। इसी के साथ आज का वेबिनार हम यहां पर कंप्लीट करते हैं। फिर से एक दफे मिस्टर कल्पेश पटेल का मैं शुक्रिया अदा करता हूं। थैंक यू वेरी मच कल्पेश जी, थैंक यू वंस अगेन, एंड थैंक यू टू ऑल ऑफ यू टू जॉइन अस। थैंक यू, नमस्ते। नमस्ते।